भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रगति के पायदान में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत के अंदर एक नंबर राज्य बनकर उभरा है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कई योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा, 2003 से आज एक एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई पायदान में एक नंबर पर है। चाहे छोटे नगर हो या बड़े महानगर हो, मध्य प्रदेश हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। आज मध्य प्रदेश अन्न उत्पादन में सबसे आगे है। ये वैज्ञानिकों के रिसर्च, किसानों और हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश आज गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत के अंदर एक नंबर राज्य बनकर उभरा है। खाद्यान्न में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बिजली, सड़क और पानी में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने सड़कों की जर्जर हालत को लेकर कहा कि ये हमारे नेतृत्व की सजगता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी इसके बारे में कहा है। लेकिन एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाली जो सड़क है वे बहुत अच्छी हैं। गांव तक सड़कों को जोड़ा गया है, लेकिन मोहल्ले और गांव की सड़कों की हालत खराब है, जिसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने बात की है। उन्होंने कहा, भाजपा के नेतृत्व में विकास का पैमाना बदला गया है। अब विकास का पैमाना ये है, मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की जा रही है। जो 2003 का मध्य प्रदेश था और आज का जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आज पूरे देश के अंदर हमें गर्व इस बात का होता है कि केंद्र सरकार से लेकर कई बातों में मध्य प्रदेश आज एक नंबर पर आकर के खड़ा है। जो मैंने कहा कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की अग्रसर है, जो पहले कभी विमान राज्य कहलाता था, तो आज एक नहीं कई पायदानों पर आज मध्य प्रदेश ने विकास की गति और अपना जो स्थान इस देश के अंदर बनाया है, सड़क, बिजली, पानी से लेकर इस मध्य प्रदेश को लगातार कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण अवार्ड तो लगातार मिलता हुआ चला रहा है। ये सातवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। स्वच्छता के अभियान में अगर मैं कहूं कि पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को केवल पूरा नहीं किया, सपने के अंदर भारत में लगातार 5 वर्षों से इंदौर शहरी स्वच्छता के अभियान में तो एक नंबर पर आया ही है, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास और नेतृत्व के कारण। तो ग्रामीण स्वच्छता के अभियान में भी इस बार भारत के अंदर मध्य प्रदेश को एक नंबर पर स्थान मिलना, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के उन सपनों को पूरा करने का काम कर रही है जो कभी गांधी जी ने इस देश के अंदर जिनके बारे में विचार किया था। कमलनाथ के इवेंट वाले बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि इवेंट वाली बात कमलनाथ जी ना करें। भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है या गरीबों के जीवन को बदलती है, इस बात का सर्टिफिकेट कमलनाथ नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देती है। जब विधानसभा चुनाव हुए थे और कमलनाथ की सरकार चली गई थी, तब जनता ने बताया था कि कौन काम करता है। कमलनाथ ने इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने का मन बनाया था और 1,34,000 प्रधानमंत्री आवास वापस करके कमलनाथ ने गरीबों का हक छीना था। इसलिए कौन इवेंट करता है और कौन जनता के बीच जाकर काम करता है, ये जनता को पता है और जनता लगातार कमलनाथ को इसका जवाब देती है। शर्मा ने कहा, 43 लाख बेटियां आज लाडली लक्ष्मी बनकर खड़ी हैं। लाडली लक्ष्मी योजना बेटी बचाओ अभियान के तहत देश में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल से लेकर टेक्निकल तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। इवेंट कर दी है कि गरीबों के जीवन को बदलती है, ये कमलनाथ जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, मध्य प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देती है। जब 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, चली गई थी, दुरावस्था के दौर के कारण से चली गई थी, उस जनता ने बताया कि कौन काम करता है, कौन जमीन पर काम करता है और कौन इवेंट करता है। अरे इवेंट तो कमलनाथ जी आप कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड कर रहे थे, 700 करोड़ का प्रावधान नचले कुदरों के लिए कर रहे थे, लेकिन 1,34,000 प्रधानमंत्री आवास वापस करके आपने उन गरीबों का हक और अधिकार छीना था जिन गरीबों के सर पर छत में प्रधानमंत्री ने भेजे थे। आपने कहा मैचिंग ग्रांट नहीं है, तो कौन इवेंट करता है, कौन जमीन पर काम करता है, कौन जनता के कल्याण के काम करता है, तो जनता जानती है और जनता कमलनाथ जी आपको लगातार जवाब देती चली आ रही है। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज।